आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्च 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई रेडर, इसकी 5,965 5,965 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.14 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 20.19 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद 24th पोजीशन पर है टाटा की अल्ट्रोस, इसकी 5,985 5,985 यूनिट्स बिकी है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.65 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 10.80 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। कुछ ही महीनों में इस गाड़ी का एक रेसर एडिशन रेट भी लॉन्च होने वाला है। हाल फिलहाल इस गाड़ी में आपको पेट्रोल डीजल के साथ साथ CNG वेरिएंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, इसकी 6049 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.25 लाख रुपीज़ शुरू होकर 17.60 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इस साल के अगस्त 15 को इस गाड़ी का 5-door वेरिएंट भी लॉन्च होगा, जिसका नाम थार अर्माडा भी हो सकता है। हाल फिलहाल इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन्स मिल जाते हैं। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है टाटा की टियागो, इसकी 6381 6381 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट्स 5.65 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 8.90 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक 7.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 11.89 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है। इसके बाद 21st पोजीशन पर है महिंद्रा की 7 सीटर SUV XUV700, इसकी 6611 6611 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 13.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 26.99 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। अभी हाल ही में इस गाड़ी के एक अपडेटेड वर्जन को भी लॉन्च किया गया था। हाल फिलहाल इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं। इसके बाद 20th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, इसकी 7912 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.90 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 20.35 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इस गाड़ी में भी आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं। इसके बाद 19th पोजीशन पर है ह्यूंडई की एक्स्टर, इसकी 8475 8475 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.13 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 10.28 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। एक्स्टर में आपको दोनों पेट्रोल और फैक्ट्री फिटेड CNG किट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट, इसकी 8750 8750 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 15.75 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। सेल्टॉस की तरह ही इस गाड़ी में भी कुछ न्यू वेरिएंट्स को भी लॉन्च किया गया था, जिनके बारे में आपको अगली संडे कार न्यूज़ की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 17th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो K10, इसकी 9332 9332 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 3.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 5.96 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। ऑल्टो K10 में आपको पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है ह्यूंडई की वेन्यू, इसकी 9614 9614 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.94 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 13.90 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा, इसकी 9900 9900 यूनिट्स बिकी हैं। इनोवा में आपको दो वर्जन मिलते हैं, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस। बात करें इनोवा क्रिस्टा की तो ये आपको 19.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 26.30 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है, जबकि इनोवा हाईक्रॉस 19.77 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 30.98 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इनोवा क्रिस्टा में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिल पाता है, जबकि इनोवा हाईक्रॉस में पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। अभी हाल ही में इनोवा हाईक्रॉस के टॉप वेरिएंट ZX ऑप्शन के बुकिंग को भी वापस से टोयोटा ने लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, इसकी 10347 10,347 यूनिट्स बिकी हैं। बोलेरो में भी आपको दो वर्जन मिलते हैं, बोलेरो और बोलेरो नियो, जिनमें कि आपको दोनों डीजल इंजन मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। बोलेरो आपको 9.90 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 10.91 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है, जबकि बोलेरो नियो 9.90 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 12.16 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, इसकी 11,232 11,232 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.76 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 19.97 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मारुति की ईको, इसकी 12,019 12,019 यूनिट्स बिकी हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.32 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 6.58 लाख रुपीज़ तक ही मिल जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, इसकी 12,531 12,531 यूनिट्स बिकी हैं।
एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.51 लाख रुपए से शुरू होकर 13.03 लाख रुपए तक मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, इसकी 14,058 14,058 यूनिट्स बिकी है। नेक्सॉन में भी आपको पेट्रोल डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें प्राइसिंग की तो ये आपको 8.15 लाख रुपए से शुरू होकर 15.80 लाख रुपए की मिल जाती है और इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वेरियंट 14.49 लाख रुपए से शुरू होकर 19.49 लाख रुपीज तक मिल जाता है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा, इसकी 14,614 14,614 यूनिट्स की है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.34 लाख रुपीज से शुरू होकर 14.14 लाख रुपीज तक मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, इसकी 14,888 14,888 यूनिट्स बिकी है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.69 लाख रुपीज से शुरू होकर 13.03 लाख रुपीज तक मिल जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, इसकी 15,151 15,151 यूनिट्स बिकी है। बात करें प्राइसिंग की तो स्कॉर्पियो क्लासिक 13.59 लाख रुपीज से शुरू होकर 17.35 लाख रुपीज तक मिल जाती है, जबकि स्कॉर्पियो एन 13.60 लाख रुपीज से शुरू होकर 24.54 लाख रुपीज तक मिल जाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, इसकी 15,588 15,588 यूनिट्स बिकी है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.66 लाख रुपीज से शुरू होकर 9.88 लाख रुपीज तक मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, इसकी 15,728 15,728 यूनिट्स बिकी है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.99 लाख रुपीज से शुरू होकर 9.03 लाख रुपीज तक मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। मई तक स्विफ्ट का भी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। नॉर्मली जिस किसी भी गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन आने वाले कुछ ही महीनों में तो लोग बाग उसे खरीदना कम कर, लेकिन स्विफ्ट के केस में ऐसा नहीं लग रहा है। लोग बाग उसको वैसे ही खरीद रहे जैसे पहले भी खरीदा करते थे। इसके बाद 4th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, इसकी 15,894 15,894 यूनिट्स बिकी है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.56 लाख रुपीज शुरू होकर 9.39 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है मारुति की वैगनर, इसकी 16,368 16,368 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी में आपको दोनों पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.54 लाख रुपीज से शुरू होकर 7.38 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है ह्यूंडई की क्रेटा, इसकी 16,458 16,458 यूनिट्स बिकी है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.99 लाख रुपीज से शुरू होकर 20.45 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। इसी साल की शुरुआत में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट और एनलाइन रेंट भी लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते मार्च 2024 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो ये है टाटा की पंच, इसकी 17,547 17,547 यूनिट्स बिकी है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट 6.13 लाख रुपीज से शुरू होकर 10.20 लाख रुपीज तक मिल जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक 10.99 लाख रुपीज से शुरू होकर 15.49 लाख रुपीज तक मिल जाता है। तो यही थी मार्च 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। तब तक अगर आप मार्च 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड्स के बारे में जानना चाहते तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, या फिर पिछले हफ्ते का संडे का न्यूज़ का वीडियो देखना चाहते तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।